दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2021 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को जो है वो दे दी है मात, और इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और टीम इंडिया का सफर जो है वो यहीं पर हो चुका है खत्म। इस मैच की अगर हम बात करें तो पहले टॉस जीतकर बैटिंग की अफगानिस्तान की टीम ने, सिर्फ 124 रन जो है वो बना पाई, जिसे 8 विकेट से न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो किया अपने नाम। इस मैच के बाद दोस्तों एक बहुत ही बड़ा वाक्या जो है वो सामने निकल कर आया, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो अंपायर्स हैं उन्होंने चीटिंग करी थी अफगानिस्तान की टीम के साथ। जहां पर आपको बता दें कि 11वें ओवर में एक बहुत ही सिंपल सा कैच जो है वो पकड़ा था मोहम्मद शहजाद ने, यहां पर दोस्तों बॉल जो है वो एज लग कर गई थी बैटिंग के, लेकिन अंपायर्स ने जो है इसे नॉट आउट करार दिया। यहां तक कि दोस्तों अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स थे उन्होंने यहां पर अपील भी जो है वो नहीं की थी उतनी तगड़ी, और अंपायर्स ने इसे नॉट आउट करार दिया। और जब बाद में देखा गया तो यहां पर आउट जो है वो हो जाता डेवोन कॉनवे, और आपको बता दें कि डेवोन कॉनवे इसके बाद बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए, उन्होंने जो है वो मैच जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और नाबाद जो है वो यहां पर गए थे। तो अगर डेवोन कॉनवे आउट हो गए होते तो शायद से मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन यहां पर अंपायर्स का बहुत ही बड़ा एरर जो है हमें देखने को मिला। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।